नगर परिषद के वार्ड संख्या 55 में वार्ड पार्षद के लिए रविवार को संपन्न हुए मतदान के बाद सोमवार को हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। मतगणना में भारतीय जनता पार्टी की हंसा कंवर ने जीत हासिल कर सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा है। मतगणना के परिणामों में निर्दलीय प्रत्याशी हंसा कंवर दूसरे स्थान पर जबकि कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती संपत्ति बोहरा तीसरे स्थान पर रही। रविवार को संपन्न मतदान के पश्चात तहसील परिसर में सोमवार सुबह मतगणना शुरू हुई। करीब आधा घंटा पश्चात घोषित हुए चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हंसा कंवर को 713, निर्दलीय श्रीमती लक्ष्मी कंवर को 401 तथा कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती संपत्ति गोहरा को 300 मत मिले। मतगणना में नोटा को 11 मत मिले। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी हंसा कंवर ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी कंवर से 312 वोटों से जीत हासिल की। रविवार को हुई मतगणना में कुल 2194 मतदाताओं में से 1425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। मतदान के दौरान कुल 64.95% मतदान हुआ था। सोमवार को मतगणना शुरू होने से पूर्व ही भाजपा तथा कांग्रेस के समर्थक मतगणना स्थल के बाहर जमा हो गए। मतगणना से पूर्व दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के प्रति आशान्वित दिखाई दे रहे थे। उधर आधा घंटे चली मतगणना के पश्चात उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हंसा कंवर को 312 वोटों से विजय घोषित किया तो वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ता मारे खुशी के झूम उठे। इस दौरान उपस्थित पार्टी पदाधिकारी तथा समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जीत का जश्न मनाया। उधर उपखंड अधिकारी सिंह ने विजयी प्रत्याशी हंसा कंवर को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपते हुए पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उधर मतगणना स्थल पर मौजूद पार्षद हंसा कंवर के पति महेंद्र सिंह गौड़ ने उपस्थित सभी भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं समर्थकों तथा वार्ड वासियों को आभार जताया। उधर विजयी पार्षद श्रीमती हंसा कंवर के निवास पर भी उपस्थित समर्थकों तथा वार्ड वासियों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया। मालूम हो कि वार्ड पार्षद 55 की भाजपा पार्षद सरला कंवर राजपुरोहित के इस्तीफे के पश्चात उक्त पद रिक्त हो गया था, जिस पर निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा की ओर से हंसा कंवर, कांग्रेस की ओर से संपत्ति बोहरा तथा निर्दलीय के रूप में लक्ष्मी कंवर ने चुनाव लड़ा। सोमवार को घोषित परिणामों में भाजपा के प्रत्याशी हंसा कंवर ने जीत हासिल करते हुए भाजपा का कब्जा बरकरार रखा। जीत के परिणामों में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तीसरे स्थान पर रहने को लेकर राजनीतिक गलियारों में अनेक चर्चाएं आम हो गई। पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद वार्ड पार्षद के चुनाव में जीत से दूर होना स्थानीय संगठन के बिखराव को इंगित करता है। उधर नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड होने के चलते सभापति नरेश कनौजिया, विधायक शंकर सिंह रावत, पूर्व विधायक देवेशंकर बोत्रा आदि ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव को जीतने में लगा दी, जिसका परिणाम भी सार्थक रहा। ज्ञात रहे कि नगर परिषद के चुनावों में गौड़ ने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में थे। चुनाव परिणामों में गौड़ को हार का मुंह देखना पड़ा और भाजपा प्रत्याशी सरला कंवर राजपुरोहित ने जीत हासिल की थी। हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में हंसा कंवर को पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा और जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद वार्ड पार्षद श्रीमती हंसा कंवर ने सभी वार्डवासियों व पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताते हुए वार्ड विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे वार्ड में हर तरफ विकास के लिए हमेशा तैयार रहेंगी और नगर वासियों वार्ड वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तैयार रहेगी। नंबर 55 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। संपत्ति देवी को कुल 300 वोट मिले, हंसा कंवर को कुल 713 वोट मिले और लक्ष्मी कंवर को कुल 401 वोट मिले। नोटा को 11 वोट मिले। जो टोटल वोट पड़े वो थे 1425 और इसमें अधिकतम वोटों के साथ हंसा कंवर को जीत मिली है। वार्ड की जो समस्या है उनका समाधान करूंगी और जो मैं जनता ने जिताया उनका विश्वास खड़ी करूंगी।